The English version of this video is available at my channel, and the link is given in the description box below. You can check it out. Hey guys, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम अमरता रूपानी है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं. ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे जिसका नाम है cic.gc.ca और इसके सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे एक्सप्रेस एंट्री और सर्च का बटन दबाएंगे. तो इसके बाद आपको ये इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे ये जो फर्स्ट लिंक है आपको इसको क्लिक करना है, हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स. तो यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं और मैंने इन सारे स्टेप्स पे एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाई हुई है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और उनके जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो एनीवेज, हम बात कर रहे थे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने की. तो स्टेप थ्री में सबमिट योर प्रोफाइल का जो लिंक है आप उसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट और साइन इन टू योर अकाउंट को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आके आप अपना IRCC अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. तो ऑप्शन वन के नीचे ये जो ब्लू बटन है साइन इन विद GC की का, इसे हमें प्रेस करना है. उसके बाद ये हमें इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे हमें ये जो साइन अप का जो बटन नज़र आ रहा है इसे हम क्लिक करेंगे और फिर हमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज़ को एक्सेप्ट करना है. और उसके बाद आप अपना यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पर. और जैसे ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बन जाता है तो आपको ये इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे आप अपने रिकवरी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए. और इसके अलावा अगर फ्यूचर में कभी आप अपना पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो ये आपको अपना अकाउंट रिकवर करने में मदद करेगा. तो आपके जो भी रिकवरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल भी जाएँ तो आप अपना अकाउंट जो है वो रिकवर कर सकें इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ. ये लीजिए, हमारा IRCC अकाउंट जो है वो बन गया. अब हम कंटिन्यू बटन को दबाएंगे, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है, जैसे कि आपका गिवन नेम, योर लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज. और एक बार फिर आपको यहाँ पे अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट एक्टर, फेवरेट मूवी, फेवरेट फूड, सो यू कैन सेलेक्ट योर ओन चॉइस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड देन क्लिक कंटिन्यू. तो इस स्टेज पे हमारा जो अकाउंट है वो बन गया. अब यहाँ पे हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इसके लिए हम नीचे आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन स्टार्ट एन एप्लीकेशन वाला. इसके नीचे चार कैटेगरीज हैं लेकिन हमें फ़र्स्ट जो लिंक है उसे सेलेक्ट करना है और फिर हमें ये इस पेज पे लेके आएगा और यहाँ पे हम एक्सप्रेस एंट्री का जो ये बटन है इसे दबाएंगे और फिर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे टू फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोविंस और टेरिटोरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन. Here I selected Alberta, just an example. अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपके लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में होगा और वो डेट जिस पे आपने अपना टेस्ट दिया, और आपको स्कोर भी ऐड करना है फॉर लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में है और इस स्टेज पे आपको अपना NOC यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड पता होना चाहिए. और अगर आपको नहीं पता NOC क्या है तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया है डिटेल में और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं. तो एनीवेज, अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप दोनों में नो वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशंस फ्रॉम ए कैनेडियन प्रोविंस या फिर टेरिटोरी. तो अगर आपके पास वो नहीं है तो इसका जवाब आप नो सेलेक्ट करेंगे. अगला जो सवाल है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में कि आप कैनेडा कितने फंड्स लेके आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप अकेले आ रहे हैं तो यहाँ पे आप नंबर 1 ऐड करेंगे
और अगर आप अपने स्पाउस या फिर पार्टनर के साथ आ रहे हैं या फिर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप वही नंबर ऐड करेंगे जितने आप लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, और इसके बाद क्लिक नेक्स्ट। एक्सप्रेस एंट्री के प्रूफ ऑफ फंड्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। और अगला सवाल जो है वो है आपकी जॉब ऑफ़र के बारे में। अगर आपके पास कैनेडियन जॉब ऑफ़र नहीं है तो इसका जवाब नो होगा। एंड व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, जस्ट एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। एंड और आपकी जो फॉरेन एजुकेशन है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ऐड करेंगे। और अगर आपकी डिग्रीज या फिर डिप्लोमास कैनेडियन इंस्टीट्यूट से नहीं है तो वो आपको इवेल्यूएट करवानी पड़ेगी किसी एक एजेंसी से, और उन सारी एजेंसीज़ के बारे में मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री वाली वीडियो में डिस्कस किया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जैसे कि मैंने बताया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपका अगला सवाल जो होगा वो ये कि क्या आपने कभी कनाडा में जॉब की है या फिर पढ़ाई की है, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं कनाडा में। तो जो भी सिचुएशन आपको अप्लाई होती है तो आप उसे चेक मार्क करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट योर मैरिटल स्टेटस, जिसमें आपको ये शो करना है कि क्या आपका जो स्पाउस या फिर पार्टनर आपके साथ कनाडा आएगा या फिर नहीं, और उनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, और उनके जो भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो भी आपको एंटर करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे आपको ये इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे आपको ये बताएगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये रिजल्ट शो कर रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ एक्सप्रेस एंट्री के लिए, और ये स्टेप्स हैं जो कि मुझे फॉलो करने हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट करने के लिए। तो जैसे ही हम कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो हमें ये इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि फैमिली नेम, योर फर्स्ट नेम, योर जेंडर एंड योर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस और आपका स्पाउस या फिर पार्टनर क्या आपके साथ कनाडा आएगा या फिर नहीं, एंड देन सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्पाउस और पार्टनर सच एज देयर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। तो ये हमें इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल जो है एक्चुअली बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि आपको फिल आउट करने हैं। तो टेक्निकली ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स हैं जो कि आपको भरने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स से। तो हमें बस यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है, और एंटर कंट्री एंड सिटी ऑफ बर्थ, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। योर मैरिटल स्टेटस इज़ आल्सो देयर जो आपने पहले ऐड किया था, क्लिक नेक्स्ट। एंड देन यू नीड टू एंटर योर पासपोर्ट और नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सच एज पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, इशू डेट एंड वेयर इट वॉज इशूड। ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप सेव एंड ऐड का बटन दबाएंगे एंड क्लिक नेक्स्ट। जैसे ही आप पूरे सेक्शंस फिल आउट कर लेंगे तो ये जो स्टेटस वाला कॉलम है वो ग्रीन हो जाएगा और हर सेक्शन के सामने कंप्लीट दिखाएगा। मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया पूरे सेक्शंस क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती थी और ये बहुत ही आसान है इन्फॉर्मेशन ऐड करना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन डिटेल्स वाला जो सेक्शन है वो दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कैनेडा के प्रोविंसेस या फिर टेरिटोरीज के जो PNP है उसमें इंटरेस्ट शो करते हो। और यहाँ पे मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप जो है ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करें जो कि है ऑल प्रोविंसेस एंड टेरिटोरीज ऑप्शंस, ताकि इनमें से कोई भी जो प्रोविंस या फिर टेरिटोरी आपको ITA भेज सके PNP अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली द सेक्शन बिलो इज़ फॉर योर स्पाउस और पार्टनर, जिसे आपको एक एक करके फिल आउट करना है जिस तरह से आपने अपने फॉर्म्स फिल आउट किए, जैसे कि जस्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, IELTS स्कोर एंड ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन।
जब आपके पूरे फॉर्म्स जो हैं वो फिल आउट हो जाएंगे तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप हर सेक्शन को एक दो बार अच्छे से चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो सबमिट करने से पहले, क्योंकि आप एक बार अपना जो प्रोफाइल जो है वो सबमिट कर लेते हैं तो इसमें से कुछ सेक्शंस जो हैं वो आप एडिट नहीं कर पाते सबमिट कराने के बाद। और पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आएगा, दैट इज़ डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये आप अच्छे से पढ़ें और इसे एग्री करें कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन इस अपने प्रोफाइल में दी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैनेडा इमिग्रेशन आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल में ऐड की है वो क्रॉस चेक करेगी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आप अपने एप्लीकेशन के साथ अपलोड करेंगे फ्यूचर में जब आपके पास ITA आएगा, और आपका CRS स्कोर इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम एंड देन आंसर द सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड देन क्लिक साइन। तो ये आपको इस पेज पे लेके आएगा जो कि लास्ट स्टेप है आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट करने का। तो यहाँ इन दोनों सेक्शंस में आई एग्री सिलेक्ट करके हम ट्रांसमिट का बटन दबाएंगे अपना प्रोफाइल सबमिट करने के लिए, एंड इट सेज कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन और प्रोफाइल। और इसके बाद आपको ये एक कन्फर्मेशन नंबर भेजेंगे कि आपका जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो सबमिट हो गया है, और फ्यूचर में वो आपसे ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे आपके अकाउंट में, एंड दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, और अपने अकाउंट को जो है वो लॉग आउट करना नहीं भूलें फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे थम्स अप दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक यू टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन।